नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक वॉक कैसे करेंगे। कई लोगों को पता नहीं कि मॉर्निंग वॉक कैसे करना है। इस प्रकार से आपके शरीर में डायबिटीज़, कई ऐसी बीमारियां आपके शरीर में आ जाती है। अगर कोई आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर भी वो डॉक्टर आपको फ्री में बोलता है कि भाई आपको मॉर्निंग वॉक करना है। और आजकल एक फैशन बन गया है मॉर्निंग वॉक करने का, मगर कैसे मॉर्निंग वॉक किया जाए वो किसी को सही तरह से पता नहीं। तो आज हम आपको इस वीडियो में वही बताएंगे मॉर्निंग वॉक कैसे और किस टाइम करना है। तो चलिए वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। तो पहला है, मॉर्निंग वॉक आपको चलना है तो 30 मिनट रोज आपको स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको चलना ही चलना है। दूसरा, मॉर्निंग वॉक का टाइम आपको यही रखना है कि सुबह का टाइम रखना 6 से 7 बजे का, नहीं कि दूसरा, नहीं लेट 7 से 8, ऐसा कुछ नहीं। तीसरा है कि मॉर्निंग वॉक आप सुबह करोगे तो आपके अंदर ऑक्सीजन अच्छा, अच्छी शुद्ध हवा आपको मिल पाएगी, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा है कि मॉर्निंग वॉक आपको आपके शरीर के हिसाब से चलना चाहिए। ज़्यादा चलोगी तो आपकी घुटिया घिस जाएगी, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपके शरीर, आपकी बॉडी कहती कि भी इतना चलना है, इतना ही चलना है, ज़्यादा नहीं। कि उसने ज़्यादा चला 10 किलोमीटर, तो मैं बस आपको 1 किलोमीटर आपकी रेंज या 10 किलोमीटर या आपके एरिया, ये बस इतना ही चलिए। तीसरा है कि आपको इतना नॉर्मल चलना है, ना आपकी मसल्स टाइट हो, ना आपको पसीना है, आपको इतना नॉर्मल चलना है फ्रीली। आपके माइंड में कोई ऐसा ही थिंकिंग, मतलब कोई सोच नहीं आनी चाहिए। कि आपका पूरा ध्यान आपके जो प्रवृत्ति करते हैं, जो काम करते हैं चलने का, उसमें होना चाहिए। चलने के टाइम आपको ना आपकी घर की बात, ना गांव की बात, ना रिश्तेदार की कोई बात आपको नहीं करनी, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे बल्कि इसमें रोग का ज़्यादा बढ़ावा हो जाएगा, आपको ठीक नहीं होगा, बढ़ावा मिलेगा रोग को। इसलिए कोई जात की टेंशन के बिना आपको ये काम करना है। कोई लोग कहते हैं कि रात को खाने के बाद रात को जाते हैं टहलने, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना आपको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, ना आपको अच्छा प्राणायाम मिलेगा, वो बेकार है। चलना है तो आपको सुबह का टाइम मिलेगी। रही बात कि आपको खाना खाने के बाद ना पानी पीना है, ना सांस पीना है, पानी तो एकदम जहर समान है। खाने के बाद आप आधे घंटे के बाद पी सकते हो, कुछ भी खा सकते हो खाने के तुरंत बाद में। अगर आप खाने के बाद एक टुकड़ा गुड़ का खाते हो तो बहुत अच्छा है, आपके 45 मिनट के अंदर आपका खाया हुआ सब पचा देगा और आपके लोहे का भी शुद्धिकरण कर देगा, इसलिए गुड़ खा सकते हो। ये टेक्निक आप ऐसे नहीं कि छोटा बच्चे से लेकर बूढ़े, कोई भी हर आदमी कर सकता है, इसमें कोई नहीं कि ये नहीं कर सकता, सब लोग कर सकते हैं। अपनी ताकत के मुजब, अपनी स्वास्थ्य, अपनी शरीर की ताकत मुजब आप कर सकते हो ये। तो आप इतना करोगे तो आप 100 साल तक बीमार नहीं पड़ोगे, आपके घर डॉक्टर नहीं आएगा, आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही नई वीडियो लेके आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।